भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया के एसपी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बीहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लत्तीपुर स्थित विद्या देवी पति सुरेश शर्मा के बासा पर तीन व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में खड़े हैं। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, जिसमें गोपालपुर थाना अध्यक्ष खरीक, बीहपुर झंडापुर थाना अध्यक्ष सहित डीआईयू टीम नवगछिया को शामिल किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बना रहे कुख्यात अपराध कर्मी गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा निवासी रंजन यादव उर्फ रंजा पिता विजेंद्र यादव उर्फ बीजो यादव, बीहपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर निवासी मुन्ना कुमार पिता प्रभु दत्मा और निखिल कुमार पिता विजय कुमार शर्मा को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं नवगछिया एसपी पूरन कुमार झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। किस संबंध में आज प्रेस वार्ता है सर? जी कल रात को हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी कि लत्तीपुर के अंतर्गत कुछ अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं। जब हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसके अंतर्गत थाना अध्यक्ष नगर टाउन रवि जी, बीहपुर थाना अध्यक्ष राहुल ठाकुर जी, थाना अध्यक्ष गोपालपुर मिथिलेश जी, डीआईयू प्रभारी पवन कुमार जी, अजीत जी, शंकर इत्यादि के साथ जब हम लोगों ने उस जगह पर छापेमारी करी तो वहाँ तीन अपराधी पकड़ाए। इनमें एक रंजय यादव उर्फ रंजा है, जो कि पूर्व में मिथुन यादव जिसकी हत्या 8 मार्च को यहाँ गोली मारकर विभत्स तरीके से कर दी गई थी, वह भी शामिल था। इसके अलावा एक मुन्ना शर्मा उर्फ ततमा, यह है जो पूर्व में आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। इसके अलावा एक निखिल भी इसमें पकड़ाया है, जिसके पास एक हथियार एवं गोली बरामद हुई है। दो लोग लतरा और गोसाई गांव के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति बीहपुर थाना अंतर्गत लत्तीपुर का रहने वाला है। क्या कुछ आपराधिक इतिहास है जी? रंजा के ऊपर एक दर्जन से अधिक मामले हैं, जिनमें मुख्य रूप से लूट, आर्म्स एक्ट 307 के मामले, राजभर यादव के दामाद का मर्डर, मिथुन यादव का मर्डर इत्यादि मामले हैं। इसके अलावा मुन्ना शर्मा और फतमा पर आर्म्स एक्ट का मामला है। और निखिल जो है, निखिल पर पूर्व से कोई मामला नहीं है, ये इन लोगों के साथ भी कुछ माह से ही रह रहा था, परंतु निखिल ने इन लोगों को शरण दी हुई थी। रंजा का संपर्क जेल के अंतर्गत हुआ था, जब ये दोनों आर्म्स एक्ट के केस में साथ में जेल में थे। इसके बाद इन लोगों ने लूट की प्लानिंग साथ में की थी। निखिल का संपर्क इन लोगों से हुआ कि पिछले कुछ दिनों से, जब से मिथुन हत्याकांड हुआ था, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसके कारण से रंजय यादव अपने घर से फरार था, इस कारण से उसके पास पैसों की कमी हो गई थी। वह कुछ व्यापार करना चाह रहा था, वह निखिल के साथ मिलकर के लीची का व्यापार कर शुरू करने की योजना बना रहा था। इसी कारण से वह अपना थाना क्षेत्र छोड़ करके बीहपुर थाना क्षेत्र में रह रहा था। मिथुन हत्याकांड में रंजा क्या भूमिका है सर इसका? रंजा बीच में बाइक पर बैठा हुआ था, जिस बाइक से हत्याकांड की गई थी, उसने बाइक से उतर करके सबसे पहले गोली चलाने वाला रंजा यादव भी था। कुछ कहानी बताया मिथुन हत्याकांड से जी, इन्होंने हमें काफी क्लूज दिए हैं, जिनके आधार पर पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी। अब तक कितने मामले गिरफ्तार हो चुके हैं मिथुन यादव हत्याकांड में? मिथुन हत्याकांड में अब तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें राहुल यादव, अजीत यादव एवं रंजा यादव प्रमुख हैं। और इसमें कुछ बचे हुए हैं सर? जी, इसमें मुख्य जो साजिश करता है छोटू यादव, पूर्व से जेल में बंद है। इसके अलावा कुछ लाइनर है, जिनकी हम लोगों ने पहचान कर ली है, उनके लिए भी छापेमारी की जा रही है। एवं एक अतिरिक्त व्यक्ति जो कि बाइक चला रहा था, उसके लिए भी छापेमारी लगातार जारी है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने आज पीजी हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीएमयू के इंजीनियरिंग सेक्शन समेत अन्य विभाग की कार्यशैली की परत दर परत खुलती गई। वहीं पुरुष और महिला छात्रावास की व्यवस्था पर कुलपति बिफर गए और संबंधित अधिकारी की जमकर क्लास लगा दी। साथ ही उन्होंने प्रॉक्टर को टीएमयू कैंपस से अतिक्रमण हटवाने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय कैंपस में गाय और भैंस बंधे होने पर प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि आप लोगों ने इसे तमाशा बना दिया है, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक सवाल के जवाब में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि मैंने ऐसा रजिस्ट्रार अपने जीवन में नहीं देखा है जो छात्र हित से जुड़ी फाइल को भी लंबित रखते हैं। आदेश दिया है? देखिए, मुझे बहुत दुख होता है, मैं बता दूं, पिछले 10 साल से एकदम नया हॉस्टल बना हुआ है। ये इंजीनियरिंग सेक्शन जो है, अभी मैंने पूछा कि इतना अच्छा हॉस्टल आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है एबेंडेंट बिल्डिंग मैंने घोषित किया हुआ है BSIDC का, इसमें बच्चे रहते हैं, कल होके कोई भी घटना होती है वैसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय जिम्मेवार होगा। इसलिए मैंने इन बच्चों को कह दिया है कि आप लोग अब यहाँ नहीं रहोगे और यहाँ पर एडमिशन बंद, और जो नया हॉस्टल है जो है उसको मैं चालू करूँगा और उसके 1 महीना के अंदर उसको कराएँगे। इन लोगों ने बताया है कि सभी फाइल्स जो है वो रजिस्टर्ड के हैं।
उधर बाउंड्री वाल नहीं हुआ है, वहाँ रजकता है पूरा गाय भैंस वह भी फाइल रजिस्टार के हैं। फिर एक और कौन सा गर्ल्स हॉस्टल का बाउंड्री वाल जिसके लिए आप लोग करते रहते हैं वह भी फाइल रजिस्टार के हैं। इसलिए अब रजिस्ट्रार साहब के मंदिर में जा रहा हूँ कि हुजूर अभी आप छोड़िएगा कि नहीं छोड़िए, नहीं समझे मेरे कहने का मतलब। ऐसा रजिस्ट्रार मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में देखा, जो महत्व नहीं है। यहाँ बरसात होने पर सभी पुरानी बिल्डिंग है नीचे गिरता है, डेली अखबार में निकलता है, आप ही लोग निकालते हो ना क्या छत गिर गया वहाँ वहाँ। और जिसे नहीं लगे बच्चे तो उनके भी हैं मेरे भी हैं, ये जिम्मेवारी वाले काम है। इसलिए भी मैं चल रहा हूँ, उनको मैं बुलाऊँगा सारा फाइल दे करके, अभी मैं ऑर्डर करूँगा और काम जो है ना एक सप्ताह के अंदर सब जगह शुरू हो जाएगा। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से भागलपुर में पर्यावरण जागरूकता को लेकर अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। जागरूकता अभियान पहले दिन रानी लक्ष्मीबाई चौक से भीकनपुर नेत्रहीन विद्यालय तक चलाया गया। इस दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने जीवन जागृति सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए सबों से वृक्ष लगाने की अपील की, जबकि सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि वृक्ष लगाएं दुनिया बचाएं। डॉक्टर अजय ने बताया कि आज हम लोग मौसम की मार झेल रहे हैं, इसका मुख्य कारण पर्यावरण का संतुलित नहीं होना है। इसलिए सभी से विनती है कि अपनी जमीन, अपने छत, अपने आसपास, मोहल्ले में, गांव में, सड़क किनारे कहीं भी जगह मिले पेड़ पौधे जरूर लगाएं। इस अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी के कई सदस्य मौजूद थे। जी मैं तो इसके लिए बहुत तत्पर रहती हूँ कि पेड़ लगाया जाए। अभी हमने अपने एजेंडे में भी लिया है कि हर महीने हर वार्ड में 5-5 पेड़ जरूर लगाएं, और जितने भी हमारे पार्षद हैं उनका जो फैमिली है, जो उनका बर्थडे आता है, उसमें भी 5-5 पेड़ लगाएं। इस तरह से करने से तो 1-2 साल में ही काफ़ी पेड़ लग जाएगा। और ये मुहिम सबको ये सोचना चाहिए कि जब भी उनका कोई बर्थडे आवे, उनके बच्चों का आवे, हमारे शहर के जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप ज़रूर उस मौके पे, उस अहम मौके पर एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं। तो जब इतना पेड़ लग जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि पर्यावरण यहाँ पे इस तरह से कुछ हो पाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। तापमान बढ़ रहा है, लोग अब सड़क पर उतर रहे हैं पेड़ लगाने के लिए, आप क्या करेंगे? एज ए मेयर मैं सारे अपने जो निगम क्षेत्रांतर्गत जितनी हमारी जनता है और जितने प्रतिनिधि हैं हमारे वार्ड के, उनको मैं जागरूक कर रही हूँ, उनको अवेयर कर रही हूँ कि आप लोग अपने भी करिए और अपने वार्ड की जनता को भी प्रेरित करिए पेड़ लगाने के लिए। और इस तरह से जो भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उस पर भी मैं फोकस कर रही हूँ कि हर वार्ड में पहला फेज में कम से कम एक हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इस तरह हमारा 51 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो जाएगा तो हमारा रिचार्ज होगा अंडरग्राउंड वाटर, और प्लस हम लोग पेड़ लगाएंगे तो हमको नहीं लगता है जलवायु परिवर्तन हमारे भागलपुर शहर में दिखेगा। आज का प्रोग्राम पर्यावरण को बचाने को लेकर है कि पर्यावरण बचेगा तभी जिंदगी बचेगी। देख रहे हैं कि तापमान जो है 42-45-50 तक पहुँच जा रहा है, ये 50 डिग्री मानव शरीर के लिए नहीं बना है, और ऐसे में लोग खड़े खड़े मौत के शिकार हो जाते हैं और खून का टेम्परेचर बढ़ जाता है और नसें फट जाती हैं, तो ऑक्सीजन का कमी हो रहा है सो अलग। तो लोगों को जागरूक करना है, सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है। हमारी संस्था विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है जीवन जागृति सोसाइटी, तो स्काउट गाइड की मदद से आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं। जो शहरों में लोग हैं उनको भी आगाह कर रहे हैं कि आप छोड़ के, छोटा सा जगह छोड़ के घर बनाएं और उसमें 2 बच्चे रखे हैं तो 2 पेड़ ज़रूर लगाएं, 1 बच्चे रखे हैं तो 1 पेड़ ज़रूर लगाएं, कम से कम इतना लगाएं, ज़्यादा लगाएंगे तो और अच्छा है। इस तरह से यदि पेड़ नहीं लगाएंगे तो वातावरण इस तरह से गर्मी बढ़ेगा, सूखा पड़ेगा और लोग मानव जीवन के लायक ये नहीं बचेगा। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित उर्दू मध्य विद्यालय चंपानगर का कैंपस नशेड़ियों के लिए सेफ जोन बना हुआ है। नशेड़ियों और बेखौफ चोरों के आतंक से विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक
शिक्षिकाएं काफी परेशान हैं। दरअसल उर्दू मध्य विद्यालय चंपानगर से चोरों के द्वारा सीसीटीवी कैमरे की चोरी का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक विद्यालय कैंपस स्थित एक जर्जर भवन नर्सरियों के लिए सेफ जोन है। वहीं जर्जर भवन में माचिस की तिल्ली, सिल्वर पेपर और ताश की पत्ती बिखरी देख शिक्षा के मंदिर में नशेड़ियों के जमावड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद शहनवाज आलम ने बताया कि पूर्व में भी विद्यालय से कंप्यूटर, बैटरी, चापाकल के लोहे की हैंडल, नल समेत अन्य सामानों की चोरी हो चुकी है। घटना के बाबत पूर्व में भी नाथनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं उन्होंने बताया कि बीते गुरुवार को विद्यालय बंद करके गए थे। शुक्रवार को विद्यालय बंद होने के कारण जब आज यानी शनिवार को विद्यालय आए तो स्कूल के छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे गायब थे। शिक्षकों ने कहा कि नशेड़ियों और चोरों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। बता दें कि पीछे के रास्ते दीवार फांदकर असामाजिक तत्व स्कूल में प्रवेश करते हैं और फिर वहीं नशे का सेवन भी करते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने घटना के बाबत नाथनगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ये जो है हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा के बावजूद भी सारे बच्चे जो है कैमरा से छिप छिपा करके जो है पीछे के रास्ते से और दूसरे गेट से अंदर घुस जाते हैं। और कल जब आए 10 बजे हम अपने स्कूल में विद्यालय में, तो हमारे एक सीसीटीवी का कैमरा का तार खुला हुआ था और कैमरा वहाँ से देखते हैं चोरी हुआ हुआ है। और जब उसको हम अपने इसमें कंप्यूटर में चेक करते हैं तो लगभग 12:40 के आसपास जो है वो कैमरा खोल रहा है, खुलता हुआ दिखाई देता है। और ठीक 12:44 में 3 लड़का मोटरसाइकिल से हमारे गेट के सामने से जाते हुए दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है कि वही 3 लड़का जो है अभी तीनों जो है काफ़ी कम एज का दिख रहा है जैसा लगता है उसमें, तो हो सकता है कि वो कैमरा खोल के जा रहा हो। क्योंकि कैमरा लगने के बावजूद भी वो किसी न किसी तरह से अपने आप को कैमरा की नज़र से छिपाते हुए अंदर आ जाते हैं। और हम तो कई बार जो है आपको क्लेम भी किया है कि सर हमारे स्कूल को कम से कम जो है रात में 7-8 के बीच में एक बार भी खाली आ करके किसी एक को खोज लीजिएगा, बोल दीजिएगा कि अंदर कोई गया तो नहीं है। तो हम समझते हैं कि शायद जो है वो इसके पूर्व भी इस स्कूल में घटनाएं हुई थी। इससे पूर्व जो है इस स्कूल में इसी रूम में जिस रूम में आप वीडियो कर रहे हैं हमारा कंप्यूटर जो है 6 कंप्यूटर मॉनिटर, हमारा बैटरी, 8 बैटरी और मेरा एक कैमरा, आईरिस कैमरा और बहुत सारे सामान की चोरी जो है पिछले साल 2023 के जुलाई अगस्त महीने में हुई थी। और इसका मैंने बाजाबता FIR कराया था जिसकी कॉपी भी हमारे पास है। और जो है उसके बाद भी हमने आग्रह किया था कि सर हमारे स्कूल पर विद्यालय पर नज़र रखी जाए, क्योंकि सारे इस एरिया के जितने भी बदमाश सब हैं जो भी गलत मतलब कि नशा करने वाले और जो भी हैं उसको लगता है ये स्कूल बहुत ही सेफ है और अंदर घुस करके आराम से बैठ करके जो है ना उसी पीने और खाने के लिए अंदर आते हैं स्कूल में, ताकि जो है कोई देख नहीं सके। और अगर अंदर आए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा नुकसान हो जाता है। अब होता क्या है कि जब पैसे की कमी होती है उसको कभी हमारा छड़ भी तोड़ के ले जाता है, चापानल का हैंडल खोल लिया है, कभी कभी नल खोल लेता है, कभी किचन को का ताला तोड़ करके जो है जो भी सामान मिलता है सो भी हल्का फुल्का मिला उसको कोशिश करता है। एक दफ़ा ये 2 पंखा मेरा एक रूम का खोल लिया, यानी कि पिछले अगस्त से लेके अब तक में कई एक बार छोटा मोटा सामान मेरा जो है इससे चोरी हो चुका है। अब हमको डर ये लगता है कि छोटा सामान जा रहा है कोई बात नहीं, और फिर से हमारे कंप्यूटर रूम है, हमारा ऑफिस है, और हमको डर इस बात का लगा हुआ है कि कहीं और सामान चोरी जो है हो नहीं जाए। ये बहुत बड़ी आशंका है मेरे और हम बहुत परेशान हैं इसके लिए। भागलपुर के कहलगांव में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो इस बाबत एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन शुक्रवार को किया गया। विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी निर्माण समिति के बैनर तले भागलपुर में हवाई जहाज संघर्ष समिति के संयोजक कमल जायसवाल ने सत्याग्रह का आयोजन किया। वहीं कमल जायसवाल की अध्यक्षता में सैकड़ों बुद्धिजीवियों ने सत्याग्रह में शिरकत किया। मजमून रहा कि जब नालंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन सकता है तो विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। पिछले दिनों जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नालंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आगमन हुआ तो भागलपुर और कहलगांव की जनता की उम्मीद जाग उठी।
चूंकि 10 साल पहले प्रधानमंत्री ने जब विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 500 करोड़ की राशि देने की बात कही थी, तभी से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन ज्यादा वक्त लगने की वजह से आम भागलपुरी को निराशा होने लगी थी। लेकिन जब नालंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला के बारे में बिहार के मंत्रियों से जाना तो उनके तरफ से मजबूत भरोसा मिला। उसके बाद उम्मीद की किरण जगी और कहलगांव एवं भागलपुर के प्रबुद्ध जन आगे आए। कहलगांव से भागलपुर पहुंचे सत्याग्रहियों में मुखिया ललिता देवी, पत्रकार पवन चौधरी, गौतम चौधरी, पवन भारती समेत कई बुद्धिजीवियों का आगमन हुआ था। शुरुआत सत्याग्रह से हुई है। भागलपुर और कहलगांव के कई सामाजिक संगठनों के लोग सत्याग्रह में शामिल हुए। पूर्व कुलपतियों में डॉक्टर फारूक अली, डॉक्टर क्षेमेंद्र सिंह, डॉक्टर नंद कुमार इंदू जी के अलावे इतिहासकार और पत्रकार भी शामिल रहे। विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए सत्याग्रह में शामिल इतिहासकारों में डॉक्टर रमन सिन्हा, डॉक्टर बिहारी लाल और शिवशंकर सिंह परिजात के अलावा कई सामाजिक संगठनों में शामिल प्रकाश चंद्र गुप्ता, निरंजन साध, प्रदीप सिंह, रमन कर्ण भी शामिल रहे। पत्रकारों में दीपक कोचगबे, गौतम सरकार, दीपक उपाध्याय और अनुज शिवलोचन ने भी सकारात्मक विचार रखे। सत्याग्रह में राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। बीजेपी के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार और जेडीयू के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। सत्याग्रह में डॉक्टर डीपी सिंह और डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी सहयोग कर रहे थे। वहीं भागलपुर के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावा बर्दी खान, समाज सेवी मिंटू कलाकार, जीनी हमीदी और लालू शर्मा समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। मौके पर जीनी हमीदी ने कहा कि भागलपुर से हवाई सेवा शुरू होने से शहर का विकास तेजी से होगा। इस अवसर पर विनय सिन्हा, शंभु सिंह, सोनू घोष, अशोक गुप्ता, इंजीनियर मिथिलेश, दीपक घोष, रश्मि रंजन सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। हमारी मांग भागलपुर जिले की सिर्फ इतनी सी है कि 19 जून 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी का परिसर का उद्घाटन करने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए, उसका जब विकास हो रहा है, राजगीर का विकास हो रहा है, तो कहलगांव में जो लोग विकास का बाट जो रहे हैं विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, रो रहे हैं, कान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आखिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास कब होगा? कब हम लोगों के इस विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा? कब हमको भागलपुर में एयरपोर्ट की बात होगी? कब हम हवाई जहाज लेंगे? क्या हम विकास विकास करते रहेंगे? इसलिए हमने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है। कहलगांव में धूम मचा रहे हैं हमारे पवन भाई, एनके जायसवाल जी, पवन भारती जी, सुनील पासवान जी, ऐसे कई लोग हैं, नितिन भाई। हमने कहलगांव को भी इस बात का आश्वासन दिया है कि आप आंदोलन करें और हम लोगों के विक्रमशिला के आसपास का क्षेत्र जब विकसित होगा तो पंचायतें डेवलप करेगा। हमारा मकसद है भागलपुर ज़िले का विकास। आज हमारा 2 बजे दिन से लेकर संध्या 7 बजे तक शांतिपूर्वक ये सत्याग्रह हो रहा है और सरकार तक सिर्फ मैसेज पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। और 30 तारीख को कहलगांव के अग्रसेन भवन में कहलगांव माने विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण समिति के द्वारा वहाँ अग्रसेन भवन में एक बड़ा बैठक का आयोजन है। हमारे भागलपुर के लोग नेतृत्व और लीडरशिप कहलगांव को स्वीकार करने जा रहे हैं और हम लोग उनको पूरा का पूरा समर्थन देने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, जो अधिकार मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, तो ये एजुकेशन ही बताता है। तो सबसे पहले एजुकेशन इसको महत्व दिया जाता है हमारे राइट्स। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो है हमारे जो है आप जानते हैं क्षेत्र से यहाँ से विक्रमशिला कम से कम जो है 50 लगभग आधा 1 घंटे के अंदर की दूरी है और जो है वहां पर जो है कम से 200 बीघा जमीन में जो है घिरा हुआ है और हम लोग जो है वहां पर हम लोग को समझना होगा जितने भागलपुर के निवासी जो आके वहां पर विक्रमशिला आके 8 शताब्दी के समय में आके वहां पर क्यों स्थापित किया गया है।
इसलिए कि वहां पर एक बहुत अच्छा एक एनवायरमेंट है, पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर बहुत सारे जो है संतल है, वहां पर जमीन भी है और वहां पर एक उत्तर क्षेत्र में जो है गंगा नदी वहां पर ही बहती है, वहां पर उस जगह पर। तो हम लोगों का ये वहां पर उस जगह पर मांग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग है हम लोग का है उस जगह पर। हमारे बहुत ऐसे लोग बुद्धिजीवी लोग जो बता रहे थे कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर वहां पर बन जाता तो हम लोग उसके वजह से वहां पर पूरे भागलपुर में बहुत ज्यादा डेवलप वहां पर हो सकता है, जैसे कि जो है इंटरनेशनल आपके बस स्टैंड बन सकता है, एयरपोर्ट चालू हो सकता है, रोड कॉम्बिनेशन जो है बेहतर हो सकता है, मेट्रो सिटी बन सकता है, रेल का कॉम्बिनेशन जो है ज्यादा से ज्यादा वहां बन सकता है और वहां पर उस जगह पर भागलपुर जो है पूरे हिंदुस्तान से अच्छे अच्छे लोग जो है प्रोफेसर आएंगे पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है हम लोग का मांग जो है जो विश्वविद्यालय का जो है संगठन विश्वविद्यालय का जो मांग है, अगर इस पर सब लोग हम लोग इस पर फोकस करते हैं, अगर मांग पूरा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो इसका मांग जो है पूरा हो सकता है और यहाँ के भागलपुर जो भी लोग हैं वहाँ पर जो है डेवलप कर सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkueledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर भागलपुर बिहार 812002। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आज 40वें छात्र दरबार का आयोजन किया गया। छात्र दरबार में TMU के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने विद्यार्थियों को डिग्री समेत अन्य दस्तावेज सौंपे। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र दरबार में 265 डिग्री, 7 PG रिजल्ट, 25 पेंडिंग रिजल्ट,
3 अंक पत्र, 5 एडमिट कार्ड और 20 उत्तर पुस्तिका से जुड़े मामले का निष्पादन किया गया। मौके पर प्रोक्टर डॉक्टर अर्चना कुमारी शाह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। 265 डिग्री बांटी गई है, पीजी का रिजल्ट 7 हुए है, यूजी पेंडिंग का रिजल्ट 25 क्लियर किया गया, मार्कशीट 3 बांटे गए, एडमिट कार्ड का समस्या 5 का समाधान हुआ और आंसर बुक पर लोग चैलेंज करते हैं तो उसको 20 पर री वैल्यूएशन करके मार्क्स दिए। छात्र आप लोग के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, कुछ अखबारों में निकला था कि यहाँ रेट ठीक है हर चीज़ का, आप लोग इस बात का गवाह हैं कि छात्र दरबार का उद्देश्य है कि छात्रों की समस्या, हर तरह की समस्या की सुनवाई होती है और कोई ऐसा नहीं है। ये बच्चे कहाँ से मीडिया वाले को खबर मिलती है, वो भी दोषी हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि आदमी कौन है, नहीं समझे। आखिर जब तक व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे तो हम पकड़ेंगे किसको, और दो व्यक्तियों को अभी तक मैंने पकड़ा है, उनको मैंने निकाल दिया, यहाँ से आउट कर दिया। तो मैं तो खुद सख्ती से ये करता हूँ, इसलिए कोई बच्चा या बच्ची किसी भी मीडिया वाले को बोलता है तो आप कहिए कि उसका नाम बताओ, मैं छाप दूँगा, तो छाप दूँगा तुरंत भर में कल होकर के उनको यहाँ से निष्कासित कर दूँगा, हटा दूँगा या जो भी पनिशमेंट है वो दूँगा। इसलिए यह बात जो खबर है ये सब गलत निकलता है कि कोई रेट है फिक्स और ये रेट है, क्या रेट है फिक्स, ये सब गलत सवाल है, ये सब गलत बातें छापी जाती हैं अखबार। अगर है एक भी, अभी भी आप लोग सब कर रहा हूँ सभी मीडिया वाले, एक भी है तो आप हमें बताना वो आदमी कौन है। दस दिनों तक भागलपुर के रेशम भवन में चलने वाले खादी मेला सह उद्यमी बाजार का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और उद्योग विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक खुशबू कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों के साथ रेशम भवन परिसर में मौजूद खाद निर्मित बेस्टन से सजे स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, बुनकर मंसूजा कला और महिला उद्यमियों द्वारा लगाए गए घरेलू उत्पाद के विभिन्न उत्पादों के तैयार करने की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को छोटे छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार उपलब्ध कराए जाने की बात कही। किया गया है जहां 120 स्टॉल लगे हैं और आप देख रहे हैं कि बिहार राज्य के अन्य कई जिलों से यहां उद्यमी लोग आए हैं और कई प्रकार के यहां स्टॉल लगाए गए हैं, खास करके कपड़े हैं, खाद्य सामग्री है, हनी है। तो मैं भागलपुर की तमाम जनता से अनुरोध करूँगा कि जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने ही यहाँ स्टॉल लगाया है तो निश्चित रूप से काफ़ी कम दाम में और काफ़ी रियायत पे उनको यहाँ सामग्री मिलेगी। वे आ करके यहाँ इस रेशम भवन में लगे हुए इस उद्योग मेले में वो अपना लाभ उठा सकते हैं और ज़रूर आएँ,